बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नमकीन गोश्त की रेसिपी। और अगर आप नमकीन गोश्त को दुम्बे के मीट के साथ बनाएं तो वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। और इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये मीडियम आँच पर तैयार होता है। और यहाँ पर मैंने ले लिया था 1 किलो गोश्त, और इसमें मैंने डाले हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज, और सब्ज़ मिर्चें इसमें डाली हैं तेज़ वाली 7 से 8, और काली मिर्चों का पाउडर डाला है इसमें 1/2 चम्मच, और नमक भी इसमें शामिल किया है 1/2 चम्मच। और इसको थोड़ा सा कवर करके रख देंगे, तब तक हम अपना लहसुन और जो अदरक है उसको तैयार कर लेंगे। और 2 ग्लास इसमें डाल देंगे हम पानी, और इसको मीडियम आंच पे पकाना पड़ता है, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। और अगर आप प्रेशर में बनाएंगे तो इसका टेस्ट वैसे नहीं आएगा। और अब हमारा जो लहसुन और अदरक है वो तैयार हो चुके थे, इसमें मैंने डाल दिए 1/2 गट्टी लहसुन की, और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल दिया, और उसको मैंने ब्रीक ब्रीक स्लाइस करके इसमें शामिल किया है। और इसको मीडियम आंच पे हम रख देंगे कवर करके, और थोड़े थोड़े टाइम तक चेक करते रहेंगे। अगर ये गल गया तो फिर हम इसमें ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और अगर आपके पास देसी घी या ऑलिव ऑयल है तो आप वो शामिल कर सकते हैं इसके टेस्ट को मोर इन्हेंस करने के लिए। और यहाँ पर मैंने इसमें 1/2 कप ऑयल डाल दिया, और इसको हम भूनेंगे अच्छे से। और 1 किलो मेरे पास गोश्त है, और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप योगर्ट का, और इसको अच्छी तरह से फेंट के इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही हम इसको दरमियानी आंच पर भूनते जाएंगे। और एक ज़रूरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और 7 से 8 मिनट हम इसको भून लेंगे अच्छे से हल्की आंच पे, और जैसे ही ऑयल छोड़ देगा तो समझें कि जो आपका नमकीन गोश्त है वो तैयार हो चुका है। और अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में, और इसको गार्निश कर लेंगे सब्ज़ धनिए सब्ज़ मिर्चें के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। और ये वाली वीडियो आपको मेरी कैसी लगी मुझे लाजम कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।